नमस्कार, मैं किशोर कुमार। ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। झुंझुनू से बड़ी खबर निकल के आ रही है। युवाओं के लिए पिछले 13 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे शौर्य चक्कर विजेता विकास जाखड़ की तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से इन्हें झुंझुनू के खेतान हॉस्पिटल से जयपुर के लिए रेफर किया गया है। रेफर करने से 2 घंटे पहले का ये वीडियो है जो हम बात करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विकास जाखड़ ने क्या कुछ कहा, ये तो आप पूरा इस वीडियो में देखिएगा, सुनिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विकास जाखड़ है जो शौर्य चक्कर विजेता है, असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी छोड़कर जिस प्रकार से युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, पिछले 13 दिन से आमरण अनशन पर बैठे झुंझुनू के जाखड़ों के बास में ये आमरण अनशन पर बैठे थे, वहाँ से इनकी तबीयत खराब होने के हवाला देकर पुलिस प्रशासन ने इनको झुंझुनू के बीडीके हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। इसके अलावा इनके साथ 2-4 अभ्यर्थी और थे जो अनशन पर बैठे हुए थे, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से इन्हें तो 2-3 दिन पहले उनको तो मतलब अनशन तोड़वा दिया गया था। लेकिन हम बात करें कि विकास जाखड़ की एक जिद है कि जब तक युवाओं को उनका हक नहीं मिलेगा, बस भर्तियों में हो रहे भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से हम बात करें रिट के मामले को लेकर, जिस प्रकार से इन्होंने ये कहा है कि रिट में जो बहुत बड़ी घपलेबाजी हुई है और वो चीज़ साफ से जाहिर भी हो चुकी है। हम पिछले 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर जो बात हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से एसओजी ने अपना खुलासा किया है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जिनको लेकर विकास जाखड़ हैं जो अनशन पर बैठे थे, आज 13 दिन हो गए, इनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से इनको झुंझुनू से जयपुर के लिए रेफर किया गया है। क्या कुछ कहा पूरा आप आगे वीडियो में देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको पता लग जाएगी। इस मीडिया में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, बहस चल रही है और रिट के लिए कैसे मतलब अफरा तफरी मची हुई है सरकार और सरकारी महकमों में। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं, मैं 21 दिसंबर को मुख्यमंत्री महोदय को मैंने पत्र लिखा था। उस पत्र में 4 मुख्य मांगे करी थी मैंने। एक रिट की सीबीआई इंक्वायरी, एग्ज़ाम कैंसिल हो, दूसरी थी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, उनको बर्खास्त किया जाए क्योंकि वो हकदार नहीं है उस कुर्सी पर। जो इंसान हजारों लाखों बच्चों का परिवारों का भविष्य बर्बाद कर दे, वो किसी प्रकार से हकदार नहीं है ऐसी कुर्सी पर बैठने का। तीसरा था एक कमेटी, जो अभी भी हमारी मुख्य मांग है बने कि ये जो भर्तियों में घोटाले हैं, ये सिलसिला चला आ रहा है सालों से और सालों तक चलता रहेगा यदि हम लोग जागरूक नहीं हुए। और ऐसी एक फुल प्रूफ सिस्टम हमने नहीं बनाया जिसमें कोई सेंध ना मार सके, तब तक ये चीज़ चलती रहेंगी। अब तो रिट की बात कर रहे हैं, रिट जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर कोई परीक्षा आएगी, फिर घोटाले होंगे, पेपर लीक होंगे, फिर हम रोडों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करेंगे, तो ये कब तक रुकेगा? बच्चा पढ़ेगा या आंदोलन करेगा? तो कमेटी की हमारी मुख्य मांग है वो थी। उसमें चौथी हमारी थी ऑर्डिनेंस लाए सरकार, जो भी विधानसभा सत्र है आगामी फेब में स्टार्ट होगा, उसमें अध्यादेश लाए कि नकल माफिया हैं, नकल गिरोह हैं, उनके खिलाफ सख्त कानून हो, 10 वर्ष से अधिक सजा हो, नॉन अवेलेबल ऑफेंस की श्रेणी में उसको लाना चाहिए, गैर जमानती अपराध की श्रेणी में। फिर उनकी जो संपत्ति है, मूवेबल चल हो चाहे अचल संपत्ति हो, वो जब्त कर ली जाए। उनकी सरकारी जो भी संस्थान है या प्राइवेट संस्थान है जहाँ पे नकल होती है, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाए, उनकी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाए। ऐसे कड़े कानून यदि सरकार लाएगी तो ये चीज़ एक दिन में थम जाएगी। पर सरकार लाना क्यों नहीं चाह रही, ये समझ में नहीं आ रहा। आप पूछिए, आप मतलब अपने मन में सवाल को लाइए, सरकार करना क्यों नहीं चाह रही है? छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब ऐसा तो हम बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं मांग रहे। कोई ऐसे इतना कौन सा वो ऐसा कानून है जिससे लाखों लोगों को नुकसान होगा? इसमें तो फायदे की बात हम कर रहे हैं। पर सरकार, मुझे लगता है जहाँ तक बच्चों से हम बात करते हैं, सरकार इसलिए नहीं लाना चाहती कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों में पेपर आउट करवाने में कहीं ना कहीं उनके हित छुपे हुए हैं। कुछ पेपर आउट होता है, पैसों में आउट होगा, लाखों में पेपर बिकते हैं, बड़े बड़े लोगों की संलिप्तता के बिना, उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना पेपर लीक होना संभव ही नहीं है इतने बड़े लेवल पे। हो सकता है कहीं एक किसी एक सेंटर पे पेपर लीक हो गया होगा, वो एक दो चार लोगों के पास पहुंच गया, कोई डमी कैंडिडेट बैठ गया, उसने एक दूसरा जो है जो इंटेलिजेंट बच्चा था उसका एक का हक मार दिया होगा उसने, या फिर जो भी ये ब्लूटूथ थोड़ी ले जाते हैं, ये भी कोई 2-4-5 लोगों के पास में पहुँच गया होगा, उससे लाभान्वित हो गए होंगे।
हजारों लोगों के पास पेपर जब पहुंचे तो सरकार के जो ताकतवर लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी संलिप्तता के बिना बिल्कुल ही संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। जिनको आपने पहरेदार बना के भेजा था अपनी रक्षा के लिए, वही अब आपके भक्षक बन गए। इस चीज़ को आप सोचिए, विचार कीजिए। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग सो गए हैं, हमारा ज़मीर सो गया है। हम लोग बोलना नहीं चाहते, हम रोड पर निकलना नहीं चाहते, आंदोलन नहीं करना चाहते। साथियों, जब ये लड़ाई मैंने शुरू करी थी, कई लोग बोलते हैं पता नहीं सर क्या मोटिव होगा, कोई हिडन एजेंडा है, इतना बड़ा रिस्क मैं क्यों लूंगा, ये बताओ आप। अंतर्यामी तो हूं नहीं कि मुझे पता चल जाएगा कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा। कोरोना गाइडलाइन आ गई, धारा 144 लगा दी। एक मन में एक कुंठा थी, एक दर्द था, उस दर्द को लेके मैं बच्चों के साथ में आया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हमने जयपुर में 4 तारीख को, 4 जनवरी को, 5 तारीख को हमने जो कमिश्नरेट है वहाँ पे परमिशन ली धरने की, शहीद स्मारक पर। हमको परमिशन नहीं दी जाती है, ये बोला जाता है कि आप कोरोना फैलाओगे। जब उस समय तक 100 लोगों की परमिशन दी जा रही थी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, उन्होंने परमिशन हमको नहीं दी। फिर रात को अचानक ये धारा 144 लगा देते हैं। इनको डर था कि हमने परमिशन तो नहीं दी, पर इनका प्रोग्राम पहले से डिसाइड है, ये लोग आएंगे। फिर भी हम लोग 6 तारीख को गए। मैंने कहा कि मेरे जो साथी हैं उनको मैंने बुलाया है, आह्वान किया, वो आएंगे, मैं नहीं जाऊंगा तो बहुत गलत ऐसा मैसेज जाता है कि जो अगुवाई कर रहा है वही ना आए तो फिर मतलब विश्वास उड़ जाता है, ट्रस्ट खत्म हो जाता है। तो मैं वहां पर गया। जब मैं गया तो मेरे जाने से पहले जो विद्यार्थी आए थे, दो दूर जिलों से आए थे, जयपुर के थे, उनको मार के पुलिस वालों ने भगा दिया। कुछ कुछ छुप गए थे। मेरे 10 बजे वहां पे जाने के बाद में थोड़ा निकल के आए हम, 10 से 20 हुए, 50 हुए, 60 हुए। फिर भी मैं ध्यान रख रहा था कि इनकी धारा 144 का हम उल्लंघन ना करें। हमने पाँच पाँच के ग्रुप, चार चार ग्रुप बना के थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे हमने खड़े कर दिए थे। और हम ये बात कर रहे थे कि अब यहाँ पे तो इन्होंने धारा 144 लगा दी कोविड के नाम पर, जो कि हर बार करते हैं, अपने 7-8 महीने घोटाले करते हैं, काले कारनामे करते हैं। जब जनता आवाज उठाती है तो कोविड प्रोटोकॉल, कोविड गाइडलाइन के नाम पर रेस्ट्रिक्शंस ला देती है, आंदोलन धरना सब कुछ बंद कर देती है, डेमोक्रेसी की हत्या कर देती है। इनके जो नेता हैं, इनके जो मंत्री हैं, वो प्रोग्राम करते हैं, आयोजन होते हैं, बर्थडे पार्टी करते हैं, तब कोई कोविड नहीं फैलता है, कोई कोरोना नहीं फैलता है। तो जब हम गए तो पुलिस वाले हमारे पास में आए तो बोले हम डेलीगेशन आपका बना लिए, बना जो डेलीगेशन है उसको हम, आप चलिए सचिवालय, वहाँ पे हम आपको मिलवा देते हैं मुख्यमंत्री जी या जो भी सेक्रेटरी होगा उनसे। तो हमने कहा देखिए, हम ऐसा कोई, हमने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर दिया, जो आप हमारी वजह से प्रेशर में आ गए और हमारी बात जाते आप मान लोगे, इस बहकाव में, इस झांसे में हम नहीं आने वाले। आप ये कर दीजिए, आपको हमारा मांग पत्र, वो मांग पत्र आप सरकार तक पहुंचा दीजिए। वो मांग पत्र हमने दे दिया था। मांग पत्र देने के बाद लगातार फिर दो मीडिया पर, जो मीडिया कर्मी वो आए, उनका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद में अचानक एक पुलिस का दस्ता आता है, उसमें डीसीपी साहब होते हैं और विद्यार्थियों को पकड़ के ले जा रहे होते हैं। कि जबकि आप फुटेज में देखिए, वीडियो में देखिए, कोई ऐसा हमने शांति भंग वाला काम नहीं किया था। 1% कोई बता दे कि शांति भंग वाला काम हमने वहां पर किया हो। पकड़ के विद्यार्थियों को जबरदस्ती वो बस की तरफ खींचते हैं। मैं बीच बचाव करता हूँ कि आप इनको मत पकड़िए, मेरे को ले ले, मेरे को आप ले जाओ साथ में, पकड़ना है तो मेरे को पकड़ो। तो मेरी कॉलर पकड़ के किस तरीके से वो ले जाते हैं वो सब आप लोग देखते हैं। उनको ये अंदाजा नहीं था कि एक मीडिया कर्मी वहीं वहीं पे पास में थे और वो उसको कवर कर लेंगे। वो सारा मीडिया में आ गया, आप लोगों ने देखा, वहां पे जाके काफी बदतमीजी की। तब मुझे वो चीज़, जो पहले मैं भी सोचता था कि विद्यार्थी बाहर क्यों नहीं आता है, उनके हित की बात हम करते तभी वो बाहर नहीं आता। जब मैं थाने में गया और इन पुलिस वालों के जो मैंने कारनामे देखे, तब मुझे रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि आखिर विद्यार्थी क्यों नहीं बाहर आता है। ये लोग क्या करते हैं, कानून जो कि हमारी रक्षा के लिए बना है, हमारी बेहतरी के लिए बना है, उसका डर दिखाते हैं, उसका इस्तेमाल ये बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए करते हैं। झूठे केस लगा देते हैं, 6-6 महीने के लिए उस पर पाबंदी लगा देते हैं, बच्चे को डराते हैं, धमकाते हैं, उनके फैमिली पर्सन से, उनके माता पिता को फ़ोन करते हैं कि आप इसको ले जाइए वरना हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ।
फिर मुझे लगा कि यार मतलब बच्चों में वो डर निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। धारा 144 जयपुर में लगा दी, कोविड गाइडलाइन हर जगह उन्होंने लगा दी। झुंझुनू का मैं रहने वाला हूँ, झुंझुनू में भी जो नगर परिषद है यहाँ भी इनकी गाइडलाइन थी, वीकेंड लॉकडाउन लगता है, तो था कि मन में कुछ तो करता है, यदि कोविड में शांत बैठ के तो मुद्दा ठंडा पड़ जाएगा। और ये लोग, इनकी ये प्रक्रिया इतनी फास्ट चल रही थी, इतनी तेज़ चल रही थी कि बस इनको नियुक्ति, जैसे तैसे इनको नियुक्ति देनी है ताकि कल को कुछ जांच भी बैठ जाए तो मामला फिर कोर्ट में टक जाए, भाई जिनको नियुक्तियाँ दे दी उनको तो हम कैसे हटा सकते हैं, इनका ये मोटिव था। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया, गांव था मेरा, छोटा सा गांव है, 200 के आसपास आबादी है, और एट ए टाइम गांव में तो 100 लोग भी नहीं रहते, फिर गांव इतना छोटा, खेतों में लोगों ने घर बना लिए और बना लिए। तो ये था कि गांव में यदि धारा 144 लाएंगे, नई गाइडलाइन तो राज्य के हर कोने में उनको वो चीज़ लागू करनी पड़ेगी, तभी मेरे गाँव में लागू होगी। परमिशन मैंने मांगी इनसे अनशन की, इन्होंने परमिशन नहीं दी। मैंने मेल किया, परमिशन नहीं दी, उसके बावजूद हम लोग बैठे, मैं अकेला बैठा। 17 तारीख को मैंने अनशन शुरू किया, हमारे काफ़ी साथी, एक सुमित है वो वहाँ पे आया सीकर से, संजू लता मैडम थी, विद्यार्थी हैं वो सवाई माधोपुर से आए, और भी काफ़ी विद्यार्थी थे, हम लोग बैठे। वो शुरू से असिस्ट कर रहे थे कि हम भी अनशन पे बैठेंगे, मैंने मना कर दिया, नहीं मेरे को बैठने दो आप अनशन पे। मैं बैठा और हम पूरा कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, मास्क लगाकर अपना आंदोलन चला रहे थे। 5वां दिन मेरा आंदोलन का हुआ, उससे पहले भी आए थे 2 दिन पहले, SDM साहब और डिप्टी प्रशासन आया, और उनकी जो लैंग्वेज से कहीं नहीं लग रहा था कि इनकी भाषा या कानून की भाषा है, लग रहा किसी मतलब आका ने इनको भेजा है एक, मतलब कि तुम जाओ और वहाँ पे ये कर दो। वो लोग आए और धमकी दे के चले गए कि आप इसको तो मतलब आप नहीं कर सकते, वरना हम अपनी कार्रवाई करेंगे। हम लोग अडिग रहे वहाँ से, मैं नहीं हिला। फिर 5 दिन हो गए थे मेरे अनशन को, 5वें दिन ये लोग आए और गांव वालों ने काफ़ी विरोध किया, महिलाएं काफ़ी विरोध कर रही थी, तो इनको लगा कि ये नहीं जाने देंगे। अब आप सोचिए, आप छोटा सा गांव 100 लोग भी नहीं हैं, और प्रशासन इतना पावरफुल, इतनी बड़ी मशीनरी, इतना बड़ा पुलिस बल, उनके भी पांव फूल गए विरोध देख के। हिंसा का प्रयोग नहीं किया हमने कि कैसे ये लोग रोक रहे हैं, यदि हमने ज़ोर ज़बरदस्ती करी तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फिर उन्होंने और पुलिस बल बुलाया और ये किया, सब कुछ किया, जबरदस्ती मुझे वहाँ से उठा लाए, मेरे को उठा के यहाँ पे जिस वार्ड में मैं हूँ यहाँ पे मुझे एडमिट कर दिया। पीछे से मेरे 2 साथी जो मैंने अभी जिक्र किया आपसे, वो सुमित और संजू लता, वो भी अनशन पे बैठ गए। अनशन जारी रहा, गांव वाले आए, विद्यार्थी आए, जगह जगह से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था, प्रदेश के हर जिले से विद्यार्थी आ रहे थे काफ़ी। तो मैं मना कर रहा था कि भाई आप आओगे भीड़ होगी, कि कोविड प्रोटोकॉल के नाम से, गाइडलाइन के नाम से आंदोलन को फिर यहाँ से उखाड़ देंगे। मैं यहाँ पे अनशन पे था। फिर 24 तारीख को जब सुमित और संजू लता जब बैठे थे, उनको 3-4 दिन ही हुए थे, तो वो जाके फिर पुलिस वहाँ पे जो कार्रवाई करती है, आपने फुटेज में देखी होगी, वीडियो में देखे होंगे कैसे टेंट उखाड़ रहे हैं, कैसे बैनर को गिरा रहे हैं, महिलाएं पूरा चैन बना के खड़ी हो गई थी बैनर और जो तिरंगा है उसको बचाने के लिए, ये बिल्कुल परवाह करते हुए उनको हटा दिया। महिला कमांडो ले गए, खींच खांच के उनको अलग कर दिया, धक्का मार के टेंट, गरीब बेचारे टेंट वाले का टेंट फाड़ दिया, तिरंगे को उसका भी कोई खास सम्मान उन्होंने किया नहीं। तो मुझे ये समझ में नहीं है कि 50-60 लोग सरकार के लिए क्या ऐसा खतरा है। गणतंत्र दिवस था, उस पर हमने गांव-गांव, शहर-शहर, हर पंचायत पे धरना प्रदर्शन, रैली, विरोध प्रदर्शन के आयोजन का आह्वान किया था, ज्ञापन देने का आह्वान किया था, वो इतना सफल रहा, हर जन जन का उसमें पार्टिसिपेट था, उसमें सहयोग था। अब आप वीडियो सारे शायद आप तक ना पहुँचे हों, गांव में 20 लोग हैं, कहीं 50 लोग हैं, कहीं 100 लोग हैं, बच्चे भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। तो साथियों, ये था मन में, ये था कि मैं अपने झुंझुनू शहर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये इसको वीरों की भूमि, वीरों की भूमि तो पूरा राजस्थान है, त्याग शौर्य की भूमि, हमने हमेशा रक्षा की अपने देश की, पर यहाँ 550 से अधिक हमारे शहीद हो चुके हैं जवान। करगिल का युद्ध जब हुआ था,
तो मैं छोटा था, एक सीरियल आता था परमवीर चक्र नाम से, एक सीरियल आता था DD1 पे, तो हर एक दिन एक एपिसोड आता था उसमें, एक परमवीर चक्रधारी का पूरी उसकी कहानी साइटेशन आता था, तो काफ़ी मोटिवेट होते थे। बाद में वो एपिसोड देख के हमको पता चला कि एक परमवीर चक्र हैं जो हमारे झुंझुनू से भी हैं, पीरू सिंह जी, करगिल युद्ध में 22 जो पार्थिव शरीर थे वो झुंझुनू आए थे शहीदों के। तो ये जो चीज़ें हैं, इस जिले ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, और इस लड़ाई में भी यदि हमारे जो विद्यार्थी, हमारे जो युवा हैं वो आगे बढ़कर और प्रदेश के सारे युवाओं और बेरोजगारों को एक दिशा देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। तो इस लड़ाई को हमने यहाँ शुरू किया और इसको धीरे धीरे हम पूरे प्रदेश में फैला रहे हैं। तो उसी क्रम में साथियों, हमने जो कल परसों जो है 28 जनवरी को शाम को 6:15 बजे आह्वान किया है कि कैंडल मार्च निकालिए, आप गांवों में, शहरों में जहां भी हैं, पर संगठित होकर निकालिए। यदि आप शहर में, किसी भी शहर में, जयपुर में हैं, झुंझुनू में हैं, बाड़मेर में हैं, डूंगरपुर में हैं, जालौर, गंगानगर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, कहीं भी आप हैं, चित्तौड़गढ़ हैं, झालावाड़ हैं, कहीं भी, 33 जिलों में आप कहीं भी हैं, यदि आप डिस्ट्रिक्ट में निकाल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में निकालना चाहते हैं, तो आप अलग अलग जगह पर मत निकालिए, एक जगह चिन्हित कर लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की ये मेन जगह। जैसे मैं झुंझुनू का आपको उदाहरण देता हूँ, झुंझुनू में हमारे शहीद यहाँ पे स्मारक है ना, तो हमने ये आह्वान किया कि यहाँ पे कैंडल मार्च जो है वो निकाला जाए। ऐसे आप सारे जो अपने डिस्ट्रिक्ट के जो हैं साथी हैं, सब मिलकर डिसाइड कर लीजिए कि ये मुख्य जगह है, मुख्य चौक है, ये पार्क है, यहाँ पे हम कैंडल मार्च निकालेंगे। उससे क्या होगा साथी, जो हमारी यूनिटी है वो बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी हमारी, और लोगों तक अवेयरनेस धीरे धीरे पहुँचेगी, लोग जुड़ेंगे उससे, और फिर सरकार तो वैसे दहशत में, उसकी नींव हिल रही है, और जो हमारी मांगे हैं उस मांग, वो कुछ कदम दूर है, कुछ ही कदम दूर है। 1 महीना सिर्फ, आप साल में 12 महीना पढ़ते हैं, यदि 1 महीना आप इस आंदोलन को दे देंगे तो आप फिर अपनी जिंदगी पर आने वाली पीढ़ियों के लिए भूल जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, यदि हम कामयाब हो गए तो। तो कैंडल मार्च निकालिए, आप संगठित होकर निकालिए, आपके पास मोमबत्ती है या कुछ भी मशाल है उसको लेकर चलिए, वो नहीं है तो मोबाइल फ्लैश आप उसको ऑन कर लीजिए, तो उससे बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, केवल राज्य में नहीं पूरे देश में, देश से बाहर भी मैसेज जाएगा, और किसी भी जिंदा कौम के लिए बहुत जरूरी है कि जिंदा दिखना, बिना किसी लाग लपेट के सब कुछ भुला दीजिए, आपसी मतभेद, जाति, धर्म, सब कुछ भुला के एक साथ, क्योंकि ये युवाओं की लड़ाई है, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है, ये राजस्थान की लड़ाई है, देश की लड़ाई है। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।